दिस इज नरेन और आज शिक्षा बजट के बारे में बात होगी और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी सतीश द्विवेदी जी ने बजट पेश किया। देखिए उसमें क्या क्या है, बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में क्या क्या आया है मुझे मिला तो मैंने सोचा चलो इसके बारे में थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। बेसिक शिक्षा के बारे में, कक्षा एक से आठ तक के सभी बच्चों को प्रतिवर्ष निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराए जाने हेतु 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। हमेशा की तरह जैसा कि करा जाता है कि बेसिक कक्षा एक से आठ तक के जो बच्चे हैं उनको प्रतिवर्ष दो जोड़ी निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाती है और जिसका जो रुपया आता है 600 रुपये ड्रेस का आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यानी कि एक ड्रेस का आता है आपका 300 रुपये और दो का 600 रुपये। सभी बच्चों को जूता, मोजा, स्वेटर उपलब्ध कराए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 है 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ओके, कक्षा एक से कक्षा आठ तक के छात्र छात्राओं को स्कूल बैग उपलब्ध कराए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में के बजट में 110 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु 3,406 करोड़ रुपए की बजट का प्रस्ताव है। वर्ष 2021-22 के बजट में समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18.172 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था है। कहने का मतलब अगर हम इसको देखें, वैसे मैं कोई वो नहीं हूँ कि समीक्षा करूँ, लेकिन मोटे मोटे तौर पे जो योजनाएं चल रही हैं उस पर पैसा जितना खर्चा किया उसके बारे में इसमें बात की गई है। और स्वेटर, निःशुल्क यूनिफॉर्म, जूता, मोजा और ये सारी योजना, मध्याह्न भोजन, MDM चल रहा है तो वही का अमाउंट दिया गया है। आगे चलते हैं, माध्यमिक शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। सैनिक स्कूल मैनपुरी झांसी एवं अमेठी के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने तथा जनपद गोरखपुर में एक नवीन सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य कराने हेतु 90 करोड़ रुपये का बजट की व्यवस्था की गई है। सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 200 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था है। ठीक है, सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय संस्कृत विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा निदेशालय के गठन तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था प्रस्तावित है। कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल सरोजनी नगर को विकसित कर उसकी क्षमता को दोगुना किए जाने, बालिका कैडेट हेतु 150 की क्षमता के छात्रावास का निर्माण कराए जाने तथा 1,000 क्षमता के निर्माणाधीन ऑडिटोरियम के निर्माण हेतु 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आगे है, निर्माणाधीन राजकीय इंटर कॉलेजों के अवशेष कार्य को पूर्ण कराए जाने हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। चलिए आगे उच्च शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। प्रदेश के आसेवित मंडलों में प्रत्येक मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना कराई जाएगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य हेतु 200 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था है। व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास, प्रदेश के सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये रहा आपका बजट। फिर आगे हम लोग फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ और इसमें मोटी मोटी चीज़ें बताई गई हैं, बाकी समीक्षा तो समीक्षा की करेंगे। मैंने तो मुझे सूचना देनी थी कि हाँ ये बजट है, इसमें ये अमाउंट दिया गया है और इसमें कुछ नई चीज़ें भी करने की बात की गई है, जैसे ये एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना कराई जाएगी प्रत्येक मंडल में और जो कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं उनको पूर्ण किया जाएगा जो कॉलेज अब निर्माणाधीन हो गए हैं। और ये जो बात हो गई है, सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में SC और ST जाति के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क जो है प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। तो ये हमारा बजट था, फिर मिलूँगा एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। फिर मिलूँगा, धन्यवाद।